अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात हिंदुस्तान की सामरिक ताकत की करेंगे, जिसे बढ़ाने के लिए देश के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं और इन वैज्ञानिकों की कोशिश का ही नतीजा है कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। और बड़ी बात यह है कि इस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का टेस्ट रात में किया गया, जो सभी पैमानों पर खरी उतरी। बताया जा रहा है कि अग्नि सीरीज की मिसाइलों में ये बेहद घातक, आधुनिक और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके सफल परीक्षण से हिंदुस्तान के तरकश में एक नया हथियार शामिल हो गया है। और भी ज्यादा मारक और भी ज्यादा विनाशक ये है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, जिसका सफल परीक्षण एक दिन पहले ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। कमांड सेंटर से कमांड मिलते ही मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ी और पलक झपकते ही उसे भेदने में सफल रही। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस सफल परीक्षण की गुड न्यूज देश के लोगों को दी गई, जिसमें बताया गया कि परीक्षण के दौरान ये नेक्स्ट जेनरेशन अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट के दौरान सभी पैमानों पर खरी उतरी है। भारत की सीमाओं का सुरक्षा के माहौल को देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। एक फौजी होने के नाते मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने देश के हथियार मिले, अपने देश का मिसाइल सिस्टम हो, अपने देश का एयर डिफेंस सिस्टम हो। ये सब देखते हुए जब ये अग्नि प्राइम का सफल प्रशिक्षण किया गया तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। अग्नि प्राइम मिसाइल अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है, जो कि एक मध्यम दूरी की मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 1 से 2 हजार किलोमीटर है और इस पर 1500 से 3 हजार किलोग्राम के वारहेड लगाए जा सकते हैं। वहीं ये अपने साथ हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटक या फिर न्यूक्लियर वेपन ले जाने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, इस नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल के जरिए हजारों किलोमीटर दूर कई लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। जो अग्नि प्राइम का जो सफल प्रशिक्षण है, ये वाकई में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। इसकी देखा जाए तो बहुत पावरफुल सिस्टम है और आज जिस प्रकार से युद्ध का माहौल बने हुए पूरी दुनिया में, हम देखें रशिया यूक्रेन में, इसराइल गाजा युद्ध और दुनिया में और जहां कहीं युद्ध है, तो मिसाइल एक अहम रोल अदा करता है लड़ाई के मैदान में। और अग्नि प्राइम एक ऐसा सिस्टम है जो कि काफी फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करेगा हमारी सेनाओं पर। ये ट्रक के ऊपर माउंटेड होता है, कैनिस्टर के द्वारा लॉन्च होता है, एक जगह से दूसरी जगह बदली किया जा सकता है, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है। इसमें लेटेस्ट नेविगेशन लगे हुए, पिन पॉइंट अटैक कर सकता है, जिसके कारण में हमारी जमीनी सेनाओं को, एयरफोर्स को, नेवी को, सभी को बहुत मदद मिलेगी दुश्मन को नेस्ता नाबूद करने में। ये मिसाइल अग्नि सीरीज की सभी मिसाइल्स में सबसे छोटी और हल्की है, जिसके टेस्ट के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के प्रमुख, डीआरडीओ और सेना के आला अफसर मौजूद रहे, जो इस मिसाइल के सफल परीक्षण के गवाह बने। अग्नि प्राइम के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन तमाम लोगों को बधाई दी और कहा कि इस मिसाइल के सफल परीक्षण से सुरक्षा बल को मजबूती मिलेगी। खबर तो ये भी है कि नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल अग्नि 1 मिसाइल की जगह लेगी और इसे जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है। बड़ी और अहम बात ये कि ऐसी मिसाइल्स बनाने की क्षमता दुनिया में चुनिंदा देशों के पास है, जिनमें भारत भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात कर लेते हैं युद्धाभ्यास गगन शक्ति की। भारतीय वायुसेना इन दिनों अपनी तैयारियों को परखने के लिए सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है, जिसे गगन शक्ति नाम दिया गया है। हर 5 साल पर होने वाले इस युद्धाभ्यास में देश के सभी वायुसेना स्टेशन बारी बारी से शामिल हो रहे हैं और अपनी तैयारियों को परख रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक इसमें पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चे शामिल हैं, यानी कि इसमें चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध की तैयारी का परीक्षण किया जा रहा है। सुखोई से लेकर राफेल तक, डी
जेट से लेकर जगुआर और मिराज तक, प्रचंड से लेकर अपाचे और चिनूक तक, C-17 ग्लोब मास्टर से लेकर C-130J सुपर हर्क्यूलिस तक, वायुसेना के ये तमाम ताकतवर एयरक्राफ्ट इन दिनों गगन शक्ति नाम के युद्धाभ्यास का हिस्सा हैं। 1 अप्रैल से शुरू हुआ ये गगन शक्ति युद्धाभ्यास 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें देश के सभी वायुसेना स्टेशन बारी बारी से शामिल हो रही हैं और अपने दम हम का प्रदर्शन कर रही हैं। लगभग 6 साल के बाद भारतीय वायुसेना एक बार फिर अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है और दोनों ही मोर्चे यानी कि दोनों ही सरहद चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर भारतीय वायुसेना 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में इस युद्धाभ्यास को कर रही है और इस दौरान भारतीय वायुसेना अपनी पूरी मारक क्षमता यानी कि सभी तरह के जो लड़ाकू विमान हैं सुखोई, मिराज, मिग, इसके अलावा राफेल, उन सभी लड़ाकू विमानों की तैनाती करेगी, उनसे उड़ान भरेगी। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक अभ्यास के दौरान वायुसेना के सभी एयरबेस एक्टिव रहेंगे, साथ ही उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे को संयुक्त रूप से शामिल करते हुए वायुसेना अलग अलग हिस्सों में अभ्यास कर रही है, ताकि चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध की तैयारियों को हर कसौटी पर परखा जा सके। दोनों ही मोर्चों पर वायुसेना की मारक क्षमता और देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसका कैसे दोहरा इस्तेमाल हो सकता है, इस पर भी भारतीय वायुसेना का जोर रहेगा। गगन शक्ति युद्धाभ्यास में करीब 10,000 वायु सैनिक भी हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए इसे एयरफोर्स की सबसे बड़ी एक्सरसाइज कहा जाता है। इस अभ्यास की खासियत ये कि इसमें वास्तविक युद्ध जैसे हालात तैयार किए जाते हैं और फिर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक वायुसेना के इस युद्धाभ्यास को थल सेना की तरफ से सहयोग दिया जा रहा है, जो मोबिलाइजेशन का जिम्मा संभाल रही है, यानी गोला बारूद और जरूरी साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद कर रही है, जिसके जरिए सेना के अंगों के बीच तालमेल को भी परखा जा रहा है। सबसे खास बात, दोनों ही सरहद पर तैनात S-400 सिस्टम को भी एक्टिवेट किया गया है। ये पहला मौका है जब इस तरह के युद्ध अभ्यास में इसका इस्तेमाल हो रहा है। गगन शक्ति अभ्यास के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में बनाई गई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर भी युद्धाभ्यास को लेकर तैयारी जारी है। बांगरमऊ के CEO अरविंद चौरसिया ने बताया कि युद्धाभ्यास के मद्देनजर एयर स्ट्रिप की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर 6 और 7 अप्रैल को वायुसेना के फाइटर जेट्स अभ्यास करते नजर आएंगे। 1 अप्रैल से लेकर के लगभग 10 अप्रैल तक भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी। उस एक्सरसाइज के तहत इस एयर स्ट्रिप पर जो तैयारियां हैं वो कराई जा रही हैं। सभी विभागों के लोग यहां पर उपस्थित हैं और सभी अपने अपने पार्ट की जिम्मेदारी लेकर के इसको पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर विशेष तौर पर अवगत कराना है कि 6 तारीख और 7 तारीख को यहाँ पर वायुसेना द्वारा कुछ रिहर्सल किया जाएगा, जिसमें विमान यहाँ पर उतरेंगे और फिर यहाँ से उड़ेंगे, जिसकी तैयारी के मद्देनज़र उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में हम लोग यहाँ पर सारी व्यवस्था देख रहे हैं, पार्किंग, ट्रैफिक डाइवर्जन, सुरक्षा और एयर फोर्स द्वारा जो भी चीज़ें यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस से अपेक्षित हैं उसके तहत हम लोग तैयारी की पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। हर 5 साल पर होने वाले इस युद्धाभ्यास को पिछली बार 2018 में किया गया था। 2 चरणों के अभ्यास के दौरान वायुसेना के विमानों ने 11,000 से ज्यादा उड़ानें भरी थी और इस बार तो और भी ज्यादा तैयारी के साथ ये अभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली से मंजीत नेगी, जैसलमेर से विमल भाटिया और उन्नाव से विशाल चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब खबर लोकसभा चुनावों की तैयारियों से जुड़ी। हर चुनाव की तरह इस बार भी फर्जी वोटिंग एक बड़ा मुद्दा है। कोई राजनीतिक पार्टियों के समर्थक अपने दल के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए फर्जी वोटिंग के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इनमें मुस्लिम बहुल इलाकों में बुरके की आड़ में फर्जी तरीके से वोट गिराने के भी आरोप लगते हैं और इससे बुर्का पहनकर मतदान करने वाली महिलाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि बुर्के की वजह से महिलाओं की पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है और ऐसे में राजनीतिक दलों से जुड़ी कई महिलाएं मुस्लिम बहुल इलाकों में फर्जी वोट डालने में कामयाब हो जाती हैं। करीब 20% आबादी वाले उत्तर प्रदेश में बुर्के या फिर नकाब की आड़ में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बीजेपी खास रणनीति बना रही है ताकि फेक वोटिंग के इस हथकंडे पर विराम लगाया जा सके। इसके लिए बीजेपी मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं की एक ब्रिगेड तैयार कर रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से मुस्लिम महिलाओं को पोलिंग एजेंट के तौर पर ट्रेनिंग दी गई है, जिन्हें उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले चुनावों के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों के 20,000 बूथों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ऐसे बूथ जो मुस्लिम बहुल हैं, अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है और वहां बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नहीं होते थे, पोलिंग एजेंट नहीं होते थे, ऐसे बूथों पर हर बूथ पर हम पोलिंग एजेंट बनाएंगे और लगभग 20,000 बूथों पर हमारी तैयारी है, जिसमें हम 33% मुस्लिम महिलाओं को पोलिंग एजेंट बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इससे जो बुरके की आड़ में, जो नकाब की आड़ में फर्जी मतदान और एक वोट कई कई बार पड़ता था या किसी के और के वोट पड़ते थे, लोग चेहरा नहीं देख पाते थे, जो हमारी अल्पसंख्यक कार्यकर्ता हैं निश्चित रूप से वो उनकी आईडी देख करके जो मतदान के अधिकारी हैं उनको मतदान करने देंगे और जो फर्जी मतदान करने के लिए आएंगे उनको रोकने का काम करेंगे। क्योंकि लगातार ये शिकायतें मिलती हैं कि जो विपक्षी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो फर्जी मतदान के सहारे ऐसी जगहों पर वोट बढ़ाने का काम करते थे, रोक तो कोई होती नहीं थी। खास बात यह है कि पोलिंग एजेंट बनने वाली कई महिलाएं खुद हिजाब या फिर बुर्का पहनती हैं और ऐसे में अगर वो बुर्के या फिर नकाब पहने वाली किसी मतदाता को संदेह के आधार पर चेक करती हैं तो फिर किसी को आपत्ति नहीं होगी। कई बार नकाब या फिर बुर्का पहनने वाली महिलाएं वोट डालने ही नहीं जाती। उनको या उनके परिवार के सदस्यों को ये आशंका रहती है कि कोई गैर मर्द यानी कि बूथ में मौजूद पुरुष कर्मी उनका चेहरा देख लेगा। इसी डर का फायदा फर्जी वोट डालने और डलवाने वाले उठा लेते हैं। दावा यह किया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिला कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से मुस्लिम महिलाओं के मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। हर चुनाव में इस बात की शिकायत होती रही है कि फर्जी वोटिंग होती है, वो भी नकाब या बुरके की आड़ में। बीजेपी इस बात की शिकायत करती रही है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक पहल की है। अपनी मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं को वो पोलिंग एजेंट के तौर पर नियुक्त करेगी अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के उन बूथों पर जहां बहुत ज्यादा संख्या में मुस्लिम आबादी है, यानी कि मुस्लिम महिलाएं वोटिंग करने के लिए आती हैं। इसके लिए महिला कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी गई है और इस वक्त हम फरहा रिजवी जी के दफ्तर में हैं, ऑफिस में हैं। हम देख रहे हैं कि वो महिलाओं के साथ मीटिंग कर रही थी इस बात को लेकर के कि ये जो नई जिम्मेदारी मिली है यानी फर्जी वोटिंग जो नकाब या बुरके की आड़ में होती है उसको रोकने की आप लोग कोशिश करेंगी, तो क्या ये पूरा आइडिया था, आप लोगों को समझाया क्या गया है? हम लोगों को समझाया ये गया है कि मुस्लिम क्षेत्रों में एक तो वोटिंग कम होती है और अगर होती है तो उसमें फर्जी वोटिंग ज्यादा होती है, तो हम लोगों को सिर्फ इतना करना है कि उन महिलाओं को चिन्हित करके जो फर्जी वोट डालने आ रहे हैं उनको देखना है, उन पे नजर रखनी है और उनका पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड से या उनके आधार कार्ड से मैच कराकर उनका सही वोट करवाना है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि वो बीजेपी को ही वोट करे, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो वोट करे, अपने वोट का फायदा उठाए और सही सरकार बने बस। पोलिंग एजेंट जो महिलाओं को बनाया गया है उसमें अब भी हैं, क्या नाम है आपका? तैयबा सैयद। क्या अभी अल्पसंख्यक मोर्चे में आपकी जिम्मेदारी है? कार्यकारिणी सदस्य हूं।
जी, तो ये जो इस तरह से कहा जाता है कि फर्जी वोटिंग होती है, किस तरह से आप चिन्हित करेंगी? मान लीजिए आप पोलिंग एजेंट हैं और महिलाएं आती हैं, तो किस तरह से आप? महिला हमसे जो है एकदम फ्री होंगी, क्योंकि हम भी एक महिला हैं और एक महिला को फेस खोल के अपनी पहचान दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेंट्स को मर्दों को तो वो नहीं दिखा सकती हैं, उसमें बहुत आसानियां हो जाएंगी कि हमारे साथ की जो औरतें, हमने इनको बताया है कि कैसे हमें चेक करना है पहचान पत्र, उनका चेहरा खोल के उनको दिखाने में हमें लगता है कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए किसी महिला को, और ये बहुत अच्छा काम है ताकि खुल के और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पर्दे के पीछे सही वोटिंग करने आए हैं या गलत लोग हैं, वो चीज भी उजागर हो जाएगी। फरहा जी, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, लखीमपुर की भी आप इंचार्ज हैं, आप यहाँ भी आपको जिम्मेदारी मिली है, आपको लगता है ये जो एक बात होती थी, ये भी बात कही जाती थी कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं सिर्फ इस वजह से वोट नहीं डाल पाती हैं क्योंकि घर के लोग उनको रोकते हैं कि उनका चेहरा कोई और देखेगा या कुछ होगा, इस पर भी रोक लग सकेगी, उनका मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जब महिला वहां पर होंगी तो किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा। जब जेंट्स आएंगे और वो देखेंगे कि वहां पर भी हिजाब में महिलाएं खड़ी हुई हैं जो उनके घर की औरतों का वेलकम करने के लिए खड़ी हैं, उनको सही मतदान के लिए जागरूक करने के लिए खड़ी हुई हैं, तो वो पूरी तरीके से अपने घर की औरतों को पूरे विश्वास के साथ भेजेंगे वोट डालने के लिए, और इसमें मतदान भी बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये तैयारी है बीजेपी की, अल्पसंख्यक मोर्चे को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और उत्तर प्रदेश में पहली बार ये महिलाएं साथ देंगी और उस मतदान की प्रक्रिया में भागीदारी निभाएंगी, क्योंकि महिलाएं ऐसा कहा जाता है कि वोटिंग करती हैं, लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें कई बार इस बात को लेकर के आरोप लगते रहे कि नकाब या बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हुई है, उस पर तो रोक लगेगी ही, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए ये मुस्लिम महिलाएं अपनी बहनों की सहमति से उनको एक तरह से चेक करने के लिए और फर्जी वोटिंग रोकने के लिए भी तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। हाल के दिनों में मतदाताओं के तौर पर मुस्लिम महिलाएं बीजेपी से तेजी से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारी योजनाओं में उन्हें किसी तरह के भेदभाव की शिकायत नहीं हुई है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का मुस्लिम महिलाओं को भी फायदा मिला है। इसके अलावा बिना किसी भेदभाव के हर महीने राशन भी मिलता रहा है, और इन सबसे बढ़कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को हलाला और तीन तलाक से आजादी दिलवाई, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद हुई और बीजेपी को लेकर सकारात्मक रुख दिखाने लगी। कई मुस्लिम महिलाएं तो सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़ गई। रमजान के महीने में रोजा रखते हुए भी गांव गलियों की खाक छानते हुए पार्टी का प्रचार कर रही हैं, और इस दौरान बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम महिला कार्यकर्ता पार्टी की फर्जी वोटिंग को रोकने की मुहिम का हिस्सा बनी है, ताकि देश के प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पीएम के रूप में देश की कमान संभालने का मौका मिल सके। धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय का झुकाव नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी की तरफ बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनावों में मुस्लिम वोटों का करीब 8.5% बीजेपी के पक्ष में गया था। इससे पहले बीजेपी को मुस्लिम समुदाय का इतना समर्थन कभी मिला नहीं था। 2014 से पहले साल 2004 की अगर बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 7% मुस्लिम समर्थन मिला था, जिससे एक बात तो साफ हुई है कि मुस्लिम सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं है और उनकी गवर्नेंस और जनकल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं से प्रभावित होकर उनके साथ खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब चैत नवरात्रि की कर लेते हैं। देश भर में नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, माता रानी के दरबार में रौनक दिखने लगी है और चैत नवरात्रि को लेकर देश भर के शक्ति पीठों में तैयारियां की जा रही। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में भी नवरात्र से पहले बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, और इस बार यहां नवरात्र को लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। सजने लगा माता रानी का दरबार, भक्तों को पावन चैत्र नवरात्र का इंतजार। ९ अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, ऐसे में देश भर के शक्तिपीठों में खास तैयारियां की जा रही हैं। पंचकुला के विश्वविख्यात माता मनसा देवी के दरबार में भी नवरात्रि की रौनक अभी से नजर आने लगी है।
प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माता मनसा देवी है और मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा इस बार श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो उसको लेकर खासे प्रबंध है। हालांकि नवरात्रि से पहले ही मनसा देवी मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और सच्चे मन से माता रानी के दर पर अपनी अर्जी लगा रहे हैं। माता के भक्तों की सुविधाओं के लिए मनसा देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के पावन अवसर पर मनसा देवी मंदिर में माता रानी के भक्तों का सैलाब नजर आता है। ऐसे में मंदिर प्रशासन की कोशिश है कि माता रानी के दर्शन के लिए आए भक्तों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। सुरक्षा की और पानी की सभी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया है और यहाँ पे हमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दो एम्बुलेंस 24 आवर्स हमारी यहाँ दो डिस्पेंसरी रहेगी, डॉक्टर्स रहेंगे, डॉक्टर की टीम रहेगी, जहाँ से लोगों की गाड़ियाँ रुकती है वहाँ से हमने निशुल्क ऑटो सेवा लगाई है ताकि किसी श्रद्धालु है, वृद्ध है, कोई चलने में असमर्थ है उनके लिए निशुल्क ऑटो सेवा दी है ताकि वो मंदिर तक आए, उन्हें कोई असुविधा ना हो। आदिशक्ति जगत जननी माता रानी के 9 स्वरूपों के दर्शन के लिए श्रद्धालु आतुर हैं। ऐसे में भक्तों की सुविधा के लिए मनसा देवी मंदिर के कपाट भी प्रातः 4 बजे खोल दिए जाएंगे। समय के अनुसार 4 बजे मंदिर खुलेगा और रात 11 बजे बंद होगा, पहले 4-5 नवरात्र को, फिर जैसे रस बढ़ेगा उस पब्लिक की सुविधा अनुसार मंदिर को खोला जाएगा। नवरात्रि के पावन अवसर पर मनसा देवी मंदिर को कोलकाता के खास फूलों से सजाया सवारा जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर में भव्य लाइटिंग के भी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे माता रानी के दरबार की भव्यता और सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। पंचकुला से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।